नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, या सीएससी के माध्यम से किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, एक बहुत अच्छी खबर है कि सीएससी डिजिटल केवाईसी एक सर्विस लाइव हुआ है नया 2020 में, जिसके माध्यम से अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं तो आप सभी जितने भी मोबाइल धारक हैं उनका दोबारा से केवाईसी हो रहा है, जिसमें उनका लाइव फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग सहित एक नया केवाईसी दिशा निर्देश आया है, जिसमें सभी मोबाइल नंबर, जितने भी देश में मोबाइल नंबर हैं, सभी का केवाईसी अपडेट होगा। और साथ ही कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए से अब नया सिम और पोर्टिंग, यानी कि एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जाने की रिक्वेस्ट स्वीकार होंगी, और इसकी होम डिलीवरी करके कॉमन सर्विस सेंटर संचालक अच्छा कमीशन कमा सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ सभी दोस्तों में पहुंचा दीजिए, ताकि सभी को इसके बारे में पता चल सके। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम आपको दिए चल रहे हैं वीएलई सोसाइटी की वेबसाइट पे। यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हो, मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिएगा, यहाँ पे आपको मिल जाता है न्यू सीएससी सर्विस 2020 डिजिटल केवाईसी। ठीक है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। हालांकि लिंक दे दिया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली वहां से भी जाके ये सर्विस के बारे में पढ़ सकते हो कि क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, यहाँ पे त्यागी सर ने भी इसके बारे में ट्वीट किया है और इसके बारे में जानकारी दी है। इकोनॉमिक जो टेलीकॉम टाइम्स करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी इसको छापा गया है कि कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से न्यू डिजिटल केवाईसी सर्विस का स्टार्ट किया गया है, और इसके भीतर जो कॉमन सर्विस सेंटर है वो फिजिकल विजिट, यानी कि डोर टू डोर जाके लोगों का ये केवाईसी वगैरह जो है कलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे ये सारा सब कुछ जो है आगे गवर्नमेंट के भी काम आएगा, और इससे थोड़ा सा लोगों को लॉकडाउन में निकलने की ज़रूरत नहीं रहेगी, और साथ ही जो है इस केवाईसी प्रोसेस को और अच्छा बनाया जा सकेगा, क्योंकि अभी तक जो है गवर्नमेंट रिटेलर, यानी कि जो मोबाइल दुकानदार हैं, उनके माध्यम से ये काम करवाता था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपकी सुविधा के लिए हिंदी में इसको लिख दिया है और दे दिया है लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से जाके आप पूरा समझ सकते हो। बाकी मैं कुछ मेन पॉइंट्स जो है मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सीएससी स्मार्टफोन डिजिटल केवाईसी न्यू सर्विस जो आया हुआ है, उसमें दोस्तों है क्या कि यहाँ पे अभी तक टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि न्यू सिम और मोबाइल नंबर पोर्टिंग जारी करने के लिए सेल्फ केवाईसी प्रक्रिया का स्टार्टअप किया गया था, जिसका यूज़र उम्मीद है कि लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोगों के यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि रिटेलर के पास या मोबाइल के दुकानदार के पास कॉमन सर्विस सेंटर पे जाकर लोग ज़्यादा सर्विस लेते हैं, वजह कि अपने आप से करने में, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनके पास इंटरनेट या मोबाइल नहीं है, ऐसे लोगों के लिए तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। और दूसरी चीज़ जो है, लोग इस टेक्निकल चीज़ में अपने आप से काम नहीं करना चाहते, तो इसको लेकर सीएससी ने माउस शाइन किया है एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस जियो इत्यादि के साथ में, कि इन सभी कंपनियों का जो भी ये केवाईसी वाला प्रोसेस हो गया, नया सिम या पोर्टिंग का रिक्वेस्ट वगैरह है, तो इसकी सर्विस जो इंड टू इंड डिजिटल विधि द्वारा करना है, वो वीएलई अपने गांव के, अपने क्षेत्र के, अपने आसपास के लोगों का करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सीएससी के माध्यम से सभी स्मार्टफोन यूज़र्स और मोबाइल यूज़र्स जितने भी हैं, सभी को इसमें कवर किया जाएगा और सभी को यह सर्विस दी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो भी फीचर फोन्स हैं, क्योंकि वो अपने आप से ये सर्विस नहीं ले पा रहे, तो उनको भी सीएससी के माध्यम से यह सर्विस दी जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों करना क्या है कि अभी तक जैसे कि आपको पता होगा कि लॉकडाउन की वजह से जो मोबाइल दुकानदार हैं, जो रिटेल स्टोर हैं कंपनियों के, वो खुले नहीं हैं। ऐसे में लोगों को जो मोबाइल नंबर अपना नया लेना है, चेंज करवाना है, दूसरी कंपनी में जाना है, या केवाईसी करवाना है, क्योंकि ऐसे में जो फ्रॉड, जैसे आपने देखा फेक न्यूज़ वगैरह फैलता है, तो ऐसे में कि मोबाइल नंबर या स्मार्टफोन के जरिए से लोगों को जो ढूंढा जाता है, तो उनको पहचान में वो सही से नहीं हो पाता, इसके लिए फिर से केवाईसी का प्रोसेस हो रहा है, जिसमें जो है सीएससी वीएलई घर घर जाके केवाईसी कर सकेगा। और अगर किसी को सिम चाहिए या उसको इम्पोर्टिंग करवाना है, तो वो एक हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके कहेगा, और वहाँ से संबंधित वीएलई को उसके घर भेजा जाएगा, जो उसका केवाईसी करेगा या फिर उसको नया सिम और पोर्टिंग की रिक्वेस्ट करेगा। तो ये सीएससी का जो बैंक मित्र वाला प्रोसेस है, या जैसे इसमें आप देख पा रहे होंगे, जैसे कोई व्यक्ति अनुरोध दर्ज करता है, उसे घर पर पहुँचा जा सकता है और फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये होगा। और अभी तक जैसे कि आपको पता है कि जो स्मार्टफोन यूज़र्स के अलावा लोग हैं जो फीचर फ़ोन यूज़ करते हैं, तो वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाते, तो ऐसे में इन सभी सर्विसेज का पेमेंट करने में भी डीएलई एक अच्छा रोल निभा सकता है, कि वो पहले तो घर घर जाके लोगों का लाइव फ़ोटो और वीडियो सहित केवाईसी करेगा। दूसरी चीज़ जो है, यहाँ पे पेमेंट का जो प्रोसेस है, वो भी बैंक मित्र के तरीके से लोगों का पेमेंट कलेक्ट कर सकता है। हालांकि यहाँ पे यूएसएसडी भी एक अच्छा माध्यम हो सकता है, सिक्योर माध्यम, तो वो भी अपनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये अभी एक नया सर्विस लॉन्च हो रहा है, एक बहुत अच्छा सर्विस लॉन्च हो रहा है,
जिसमें क्योंकि मोबाइल नंबर तो लगभग देश में बहुत सारे हैं और ऐसे में वीएलई के लिए बहुत अच्छा मौका है सारे केवाईसी और नया सिम एक्टिवेशन वगैरह करने का, इस पर बहुत अच्छा कमीशन मिलने वाला है। ठीक है, तो आगे जैसे इसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है जो भी पोर्टल लागू होगा उसके बारे में डिटेल से अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन आज तक की जानकारी के लिए आप वीडियो में दिए गए लिंक पर जाके इस इन्फॉर्मेशन को पूरा पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपको पूरा इन्फॉर्मेशन के बारे में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ सभी दोस्तों में पहुँचा दिया, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।